अब हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड और उसकी वजह से मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो लंबे समय तक हम लोगों ने क्या देखा कि फॉरेन ट्रेड जो है वो मेनली कह सकते हो कि फॉरेन ट्रेड जो था वही कंट्रीज़ को लिंक करने का एक मेन चैनल था, राइट। जैसे कि इंडिया और साउथ एशिया के बीच में कनेक्शन था, फिर ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। और आपको ये भी याद होगा कि ये जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट था, व्यापार करने का जो इंटरेस्ट था, उसी की वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया आई थी, राइट। और फिर फॉरेन ट्रेड के, तो फॉरेन ट्रेड का मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या है, तो अगर सिंपली कहा जाए तो फॉरेन ट्रेड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट के आगे तक पहुंच सके। डोमेस्टिक मार्केट, जैसे कि मान लो इंडिया में कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंडिया में ही उसका सामान बिक रहा है, तो ये डोमेस्टिक मार्केट हो गया, राइट, उनके अपने देश का मार्केट हो गया। तो फॉरेन ट्रेड क्या अलाउ करता है कि हम जो है अपनी चीज़ों को अपने डोमेस्टिक मार्केट के बाहर भी बेच सके, जहाँ पर कि उनका काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल काजू नट्स, इट्स वेरी यू नो लाइक हाईली एक्सपोर्टेड आइटम फ्रॉम इंडिया, मतलब कि इंडिया में प्रोड्यूस किए हुए काजू नट्स को जो है ग्लोबली बेचा जाता है। इसी तरीके से मखाना की बात करें, अगर हम अपने लोकल लेवल पर, तो मखाना जो है इसका सेल अब ग्लोबल हो चुका है। तो मतलब इंडिया में बेच के जो प्राइस मिल रहा था, अब बाहर बेची, अगर बेहतर प्राइस मिल रहा था बाहर भी जाके उसको बेच सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा हुआ ना इससे, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को अब सिर्फ अपने कंट्री के अंदर लोकेटेड मार्केट में नहीं बेचेंगे सिर्फ, वो जो है अब ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, वहाँ पर भी बेच सकते हैं। सिमिलरली जो बायर्स हैं, तो वो जो है दूसरे कंट्री में बने हुए इम्पोर्ट्स पर रिलाई कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से बढ़िया आपको जो है सप्लाई अगर बाहर के मैन्युफैक्चरर्स से मिल रहा है, तो आप उधर से सामान मंगवा लीजिए। यहाँ पर जो है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को इसके एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया में जो है स्मार्टफोन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि हमें जो है बाहर से जो आ रहे थे प्रोडक्ट्स उनके ऊपर रिलाई करना पड़ा, राइट। ये चीज़ होती है ना। या फिर अभी जैसे देखिए बांग्लादेश जो है वहाँ के बने हुए जो गारमेंट्स हैं वो इंडिया में बिकते हैं, US में बिकते हैं, ये सब किस चीज़ की वजह से हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर जो है इंडिया में चाइनीज चॉइस का एक केस दिया गया है कि चाइना मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें ये लगा कि एक्सपोर्ट टॉयज इंडिया में जो है टॉयज एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जहाँ पर कि टॉयज जो है महंगे प्राइस पर बिकते हैं, तो उन्होंने जो है प्लास्टिक टॉयज इंडिया में भेजना शुरू कर दिया। तो अब इंडिया के जो बायर्स थे उनके पास ऑप्शन ये था कि वो इंडिया में बने हुए टॉयज और चाइना के बने हुए टॉयज इनके बीच में चूज कर सकते हैं। अब चूंकि चाइनीज़ टॉयज जो थे उनकी कीमत कम थी, डिज़ाइन अच्छे थे, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए इंडियन मार्केट में। और एक साल के अंदर 70-80% जो टॉय शॉप्स थे कंट्री में, वहाँ पर इंडियन टॉयज की जगह पर चाइनीज़ टॉयज भर गए, और चाइनीज़ टॉयज जो हैं वो अब इंडियन मार्केट में पहले से भी ज़्यादा सस्ते हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्चुअली फॉरेन ट्रेड का एक रिजल्ट है। चाइनीज़ टॉयज जो हैं वो इंडियन मार्केट में आते हैं, अब जो है इंडियन और चाइनीज़ टॉयज के बीच में कंपटीशन होता है, चाइनीज़ टॉयज जो हैं वो इंडियन टॉयज से बेहतर होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्राइस, तो इंडियन बायर्स के पास बेहतर चॉइसेस हैं अब, राइट। तो इस वजह से क्या हो गया, इंडियन बायर्स जो हैं वो अब चाइनीज़ टॉयज के पीछे जाएंगे। चाइनीज़ टॉय मेकर्स के लिए ऑप्शन क्या है कि अब उनका बिजनेस का एरिया एक्सपेंड हो गया, अब वो और ज़्यादा टॉयज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी उनके पास बेचने का मौका है, तो फिर उनका प्रॉफिट, उनका जो है रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स इंडियन टॉय मेकर्स जो हैं उनका मार्केट धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए ट्रेड काम करता है, इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड जो है वो काम करता है। एक जगह का बनाया हुआ सामान अगर ग्लोबली कम्पिटिटिव है, ग्लोबल मार्केट में अगर वो काफ़ी कम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, तो डेफिनेट सी बात है कि वो बहुत सारे देशों में जाके बिकेगा, उसका मार्केट बढ़ता जाएगा, राइट। और जो उस लेवल पर नहीं आ पाएंगे उनका मार्केट सिकुड़ता जाएगा। तो जनरली क्या है कि जब ट्रेड जब खुलता है, तो उसके बाद जो है गुड्स जो हैं, सामान जो है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक जाते हैं, सामानों के जो सामान से रिलेटेड जो चॉइस है वो बढ़ता है। एक जैसे जो सामान है दो मार्केट में, दो एक जैसा अगर दो सामान है मार्केट में, उनका दाम एक जैसा होने लगता है, और प्रोड्यूसर्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ में वो अब एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, मतलब हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर जो कंपटीटर्स हैं वो अब जो है कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या करता है कि वो जो है मार्केट को जो है कनेक्ट करता है, मार्केट्स को इंटीग्रेट करता है। ओके,
इसमें आप लोग जो है WTO के रोल के बारे में भी जान सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो है फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, किस तरीके से वो जो है मार्केट्स के इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। सो वेल यू नो लाइक दैट इज अबाउट दिस हियर। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। हम लोगों ने MNCs को देखा, हमने फॉरेन ट्रेड के रोल को देखा, अब इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन की चर्चा आ जाती है। ओके ये कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ग्रोनअप जो है बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन इज़ फन, और ऑफ कोर्स ग्लोब को उछाल रहा है, अर्थ को उछाल रहा है, और एक बच्चा जैसे बोल रहा है भाई केयरफुल हो जाओ, वो हमारी दुनिया जैसे तो जैसा तुम खेल रहे हो, शायद किसी तुम्हें इसकी कीमत पे करनी पड़े। आखिरकार इस कार्टून का मतलब क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन देखो एक तरफा नहीं है, ये सारा केवल प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ सबका फ़ायदा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ रिस्क भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के साथ जो है कुछ चैलेंजेज भी हैं। खैर चलिए पहले जान लेते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या, तभी तो इसकी खूबी और खामी को हम लोग परखेंगे। अब पिछले करीब 2-3 डेकेड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा MNC जो है वो ग्लोबली लोकेशंस ढूंढ रही हैं जहाँ पर कि प्रोडक्शन सस्ता हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट MNCs के द्वारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। कभी भी अगर आप इंडिया के बजट के टाइम को भी देखिएगा तो उस समय में भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर एनुअली जो है डाटा रिलीज होता है कि इस साल इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया। ठीक है, तो एक तरफ मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है MNCs का वो बढ़ रहा है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर कि प्रोडक्शन फैसिलिटी सस्ती है, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड जो है कंट्रीज़ के बीच में वो भी काफ़ी तेज़ी में बढ़ रहा है, और एक बड़ा हिस्सा जो है फॉरेन ट्रेड का वो भी MNCs के द्वारा ही कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि फोर्ड मोटर्स जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रही है कार, वो जो है बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन मार्केट के आसपास हैं जहाँ से भेजना आसान होगा, तो वो जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाकी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ से सामान, या फिर वो जो है जो कार के कंपोनेंट्स हैं उनको अपने ग्लोबली अपने डिफरेंट फैक्ट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, फोर्ड जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, तो यहाँ से जो है एक्सपोर्ट एक्टिविटी भी चल रही है। लाइकवाइज बहुत सारे जो MNCs हैं उनका सब कह सकते हो कि उनकी एक्टिविटी में जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड से रिलेटेड आता है। तो ये जो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो ज़्यादा ये फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो है जो प्रोडक्शन और मार्केट का इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ओके मतलब कि ग्लोबली जो है चीज़ों या सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो और जो मार्केट है ये ज़्यादा जो है क्लोजली इंटीग्रेट हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोडक्शन और मार्केट वगैरह का तेज़ी से इंटीग्रेशन हो रहा है, इनके बीच जो इंटरकनेक्शन डेवलप हो रहा है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और इसमें जो है MNCs ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ये कंट्रीज़ के बीच में मूव कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो हैं वर्ल्ड में वो कह सकते हो कि अब कुछ डेकेड्स पहले की तुलना में अभी के टाइम में ज़्यादा क्लोज हैं। अब गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के अलावा, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के मूवमेंट के अलावा, एक और तरीका है जिससे कि कंट्रीज कनेक्टेड हो सकती हैं, एंड दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़। लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में। नॉर्मली जो है लोग जो है एक देश से दूसरे देश जाते हैं बेहतर इनकम की तलाश में, बेहतर जॉब की तलाश में, बेहतर एजुकेशन की तलाश में, और जो लास्ट के कुछ डेकेड्स रहे हैं इस समय में जो है लोगों के मूवमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लास्ट फ्यू डेकेड्स में एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं ना, वीज़ा पॉलिसी होती है, वर्क परमिट होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी काफ़ी मूवमेंट हुआ है लोगों का। तो ये जो लोगों का मूवमेंट हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट एनी कंट्री और आप पाइएगा कि वहाँ पर जो है बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं जो ट्रेड अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से आए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से आए हैं, राइट? तो ऐसा मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। अब हम आगे बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया है, बट लेट अस कीप दैट फॉर द नेक्स्ट लेसन। फिर मिलते हैं उसके साथ, बाय बाय।